ताबीर थी, तामीर थी, अब तख्लीक भी है, तालीम भी है, तंदरुस्ती भी है, तवनाई भी है। अब मैं मदु करती हूँ ग्रुप सीओओ असलम मलिक साहब को कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और सारी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स करें। الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم जनाब जाहिद रफीक साहब चेयरमैन हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड सीनियर ऑफिशियल्स एचआरएल कैप्टन स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी मेरे बहुत प्यारे प्यारे सेल पार्टनर्स मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आपसे काफ़ी अरसे बाद मैं डायरेक्ट मुखातिब हूँ और आज मुजीब साहब ने अपना सारा बर्डन, पहले ये मेरा बर्डन ले लेते थे, मुझे छोटी सी स्पीच करनी पड़ती थी, आज सारा बर्डन उन्होंने मेरे पे डाल दिया। मैं मुझे खुशी भी है कि स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत से लोग जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं आप लोग, वो लोग नहीं जानते थे, तो डॉक्टर साहबा ने मेरा वो काम आसान कर दिया और स्मार्ट सिटी के बारे में आप सबको बताया कि स्मार्ट सिटी क्या होता है। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और आप सब के बिहाफ पे, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं और मुजीब जो हैं वो आपसे और आज मेरे सेल पार्टनर्स हैं, मैं और मुजीब आप में से हैं, हम आप हैं और आप हम हैं, मैं आपके साथ हूँ। और आप सब के बिहाफ पे मैं जनाब जाहिद रफीक साहब को, बावजूद के आज बहुत मसरूफ़ थे और आज उनका इस्लामाबाद का प्रोग्राम था, उन्होंने वो कैंसिल किया और हमारे मेरे और मुजीब साहब के इसरार पे वो यहाँ तशरीफ लाए। सर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और जिस तरह मुजीब साहब ने कहा कि जाहिद साहब को बुलाने का मकसद क्या था, इनको हमने इन इसरार से क्यों बुलाया, कि जो चीज़ें हम आपको आज बताएँगे वो हम चेयरमैन साहब के सामने ही बताएँगे और चेयरमैन साहब उस फैसलों पे जो उस इनिशिएटर्स पे जो मैं आपके सामने पेश करूंगा उस पर अप्रूवल की स्टैंप लगाएंगे, तो हम भी अपने किए हुए वादों से पीछे नहीं हट सकेंगे। तो इस सिलसिले में मैं आपके बिहाफ पे दोबारा मशकूर हूँ जनाब चेयरमैन साहब का कि वो यहाँ तशरीफ लाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जो हमारे प्रोग्राम हुआ करेंगे चेयरमैन साहब उसमें तशरीफ लाएँगे और आप सब के साथ मुलाकात भी करेंगे, और जो इत्माद और जो प्रोमिसेस हमने किए होते हैं आपसे उनके ऊपर उसकी अप्रूवल की स्टैम्प भी करेंगे। आज का प्रोग्राम बड़ा मुख्तसर है, इसमें सबसे पहले मस्जिद अल मुस्तफ़ा जो है इसका इफ्ताह किया जाएगा, जनाब अल्लामा साकब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वो इसका इफ्ताह भी करेंगे और इसके जो नमाज असर पढ़ा के इसका इंशाल्लाह आज से आगाज़ करेंगे और आज के बाद से इंशाल्लाह पांचों वक्त की नमाज भी यहाँ होगी और जुमा का भी एहतमाम किया जाएगा। और इंशाल्लाह जो दूसरी मस्जिद है जो मैं थोड़ी देर बाद अपने बाकी प्रोग्राम्स में अनाउंस करूँगा वो सेक्टर बी में बन रही है, इंशाल्लाह रमज़ान से पहले वो भी हम मुकम्मल करना चाहते हैं और वहाँ भी इंशाल्लाह रमज़ान में तरावी का इस मस्जिद में भी इंतज़ाम होगा और उस मस्जिद में भी इंतज़ाम होगा। उसके बाद आपकी ज़ियाफ़त की जाएगी, यहाँ पे हाई टी होगी और उसके साथ ही जो बाकी तीन और प्रोग्राम है जिसका मैडम ने ज़िक्र किया,
उसका इफ्ताह किया जाएगा। हम चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले जो हाफ मेगावाट का हमारा सोलर पावर मुकम्मल हो चुका है उसका यहाँ आपके सामने हम इफ्ताह करेंगे और उसको बाकायदा यूज़ करने का आज से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला इनिशिएटिव है ग्रीन एनर्जी का, क्योंकि स्मार्ट सिटी में जिस तरह पहले कहा जा चुका है 25% मिनिमम ग्रीन एनर्जी वो देनी होती है तब जाके हम स्मार्ट कह सकते हैं। तो ये पहला स्टार्ट है, हाफ मेगावाट हम लगा चुके हैं, 3 मेगावाट का हम ऑर्डर कर चुके हैं। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 ईयर टाइम यहाँ लाहौर स्मार्ट सिटी में 5 मेगावाट का सोलर पावर इंशाल्लाह काम कर रहा होगा। इसके बाद हम एक स्मार्ट क्लिनिक शुरू कर रहे हैं, ये सेक्टर ए में है, ओवरसीज प्राइम सेक्टर ए में, बिल्कुल हमारे राइट पे। उसका आज से उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी और वो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो एक बड़ा डिजिटली कंट्रोल्ड एक एनवायरनमेंट हम देना चाहते हैं पूरे स्मार्ट सिटी को। उसको डिटेल में जाना मेरे लिए ज़रा मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी टाइम कम है। तो वो डिजिटली कंट्रोल्ड पूरा जो एनवायरनमेंट है, सबसे पहले आपने जो लोग इस सेक्टर के होंगे वो क्लिनिक में रिपोर्ट करेंगे, उस क्लिनिक से ही इंशाल्लाह ताला उनको शफा होगी। अगर ज़्यादा सीरियस केस होगा तो वो हॉस्पिटल में फिर वो रेफर किया जाएगा और हॉस्पिटल से फिर आगे बड़े ट्रेचरी हॉस्पिटल में जाएगा। ये एक पूरा निज़ाम है जो यूके में चल रहा है, उसकी बेसिस का जो सबसे पहला इनिशिएटिव है इंशाल्लाह हम आज ले रहे हैं और पहला स्मार्ट क्लिनिक उसका हम आगाज कर रहे हैं। और उसके बाद आखिर में जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, द पवेलियन एक बहुत ही खूबसूरत हमारा प्रोजेक्ट है, ये हम आज से उसका आगाज कर रहे हैं। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, आज उसका फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी है इंशाल्लाह और सबसे आखिर में हम उसके उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे और फिर उसकी दुआ के बाद इंशाल्लाह इस सारे प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे। तो एक बात मैं जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, मैं अगले बाकी इनिशिएटिव से पहले मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में आज तक हमने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जहाँ हमने सेल्स को इनिशिएटिव किया हो। मुझे बहुत से लोगों ने सवाल किया आज कि सर आप इफ्तिताह कर रहे हैं, इसका क्या रेट होगा, कितने अपार्टमेंट होंगे, कैसे सेल करेंगे। तो मैंने कहा हमने कभी भी कोई भी प्रोग्राम पूरे पिछले 4-5 साल में सेल के लिए नहीं किया। हमेशा जो प्रोग्राम है वो हम करते हैं इनिशिएटिव्स को बताने के लिए कि हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और आज का प्रोग्राम भी हम बिल्कुल पवेलियन को सेल नहीं कर रहे। जब इसका सेल का मौका आएगा तो प्रॉपर इंशाल्लाह ताला आप सबको इत्माद में लिया जाएगा और फिर हम उसकी अनाउंस करेंगे और जो भी इसकी इन्वेंट्री है या रेट्स है वो हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो आज का प्रोग्राम सेल का प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे मुलाकात का प्रोग्राम है। आज अभी मैं जो आपके सामने चंद एक प्रोजेक्ट्स का जिक्र करूंगा, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आज से पहले हम काफ़ी यहाँ इकट्ठे होते रहे थे, आपके साथ हम शेयर करते थे और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ये चीज़ें इनिशिएटिव लेंगे और ये स्टार्ट करेंगे। मुझे ये बताते हुए इंतहाई मसर्रत महसूस हो रही है कि 110% वो प्रोजेक्ट जो हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था वो या तो मुकम्मल हो चुके हैं या वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो मस्जिद है जो आपके सामने यहाँ उसकी तस्वीरें नज़र आएंगी आपको, जो हमारी मस्जिद है सेक्टर ए की, वो हम मुकम्मल कर चुके हैं इंशाल्लाह आज उसका इफ्ताह होगा। उसके बाद स्मार्ट स्टेम कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये हमारा 100% रेडी है और उसकी भी फर्निशिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द 2024 में ये ऑपरेटर होगा। क्रिकेट ग्राउंड हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था, वो पिछले काफ़ी महीनों से वो मुकम्मल है और मुझे बताया गया है कि अगले 6 महीने के लिए वो ऑल संडेज बुकड हैं और कोई संडे सैटरडे अवेलेबल नहीं है और वीक डेज में भी वो 50% ऑलरेडी बुकड है। तो इतना ज़्यादा माशाल्लाह वो अच्छा यूज़ है इस पूरे जो इलाके के लोग हैं, इवन लाहौर के सिटी से लोग आके उसको यूज़ कर रहे हैं। अब वो ऐसे चंद एक प्रोजेक्ट हैं जो हमने
प्रॉमिस किया हुआ था मगर वो स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत जल्द मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। उसमें जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया मस्जिद है सेक्टर बी की, वो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले हम मुकम्मल करेंगे। इनक्यूबेशन सेंटर जो एक आईटी बेस्ड हमारा जो सिलिकॉन विलेज में आएगा वो हमने स्टार्ट कर चुके हैं, वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मुकम्मल कर रहे हैं। जूनियर स्टैम्प स्कूल इन प्रोग्रेस है, उसकी सेकंड थर्ड फ्लोर पे हम पहुंच चुके हैं, वो इंशाल्लाह हम 2024 में मुकम्मल करेंगे। और एक स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी जो कि हमारे चेयरमैन साहब का और जो उनकी मिसेस हैं उनका बड़ा एक ख्वाब है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है हमारे पाकिस्तान में या इस रीजन में या इस इलाके में, उनके लिए एक स्पेशल अदारा यहाँ बनाया जाए जहाँ उनकी फेयरवेल के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, जो लोग बाद लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको लिए एक हम यहाँ पे बुनियाद रखे उस चीज़ के, उसके लिए स्पेशली कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में भी और लाहौर स्मार्ट सिटी में भी हमने इसका आगाज कर दिया हुआ है और वो इंशाल्लाह हम 2025 के आगाज तक मुकम्मल करेंगे। और जिस तरह देखिए पानी जो है वो बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की नेमत है, उसको हमने प्रॉपर तरीके से ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना है, जो पानी इस्तेमाल के बाद हम ज़ाया कर देते हैं उसको ट्रीट करके हम अपने जो हॉर्टिकल्चर के काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका भी हम आगाज़ कर चुके हैं, इंशाल्लाह 24 में हम मुकम्मल करेंगे। इसके बाद ऐसे प्रोजेक्ट जो जिस तरह अच्छा ऐसा हुआ कि आजकल के जो हालात हैं पाकिस्तान के वो कुछ इतने इकोनॉमिकली भी और अदरवाइज भी कोई फेवरेबल नहीं है और रियल एस्टेट में खासकर रिसेशन है, आप सब लोग को पता है रियल एस्टेट में खासकर रिसेशन है। तो हमने जाय साहब से चेयरमैन साहब से बात की कि हम भी थोड़ा सा अपने आप को डाउन कर लेते हैं, हम काम को रोक देते हैं या काम को स्लो कर देते हैं। तो जो चेयरमैन साहब ने हमसे ड्यूरिंग कोरोना कहा था, जब हमने उस वक्त कहा था जी काम स्लो होने लगा है और प्रॉब्लम में है हम लोग, तो उन्होंने कहा नहीं काम को स्लो नहीं करना, काम को और तेज़ करना है। तो आपने नोट किया होगा कि कोरोना के दौरान भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान बंद था, सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए थे, हमारा काम की स्पीड डबल हो गई थी। तो जाहिर साहब के जो इंस्ट्रक्शन है और जो इनका इनिशिएटिव है उस सिलसिले में मैं सबसे आखिर में एक अनाउंसमेंट करूंगा और उसके तहत जो जाहिर साहब के इंस्ट्रक्शन है कि काम को और तेज़ करें बल्कि स्पीड को डबल कर दें। तो उस स्पीड को डबल करने के लिए क्योंकि हमारे साथी बहुत से आर्मी से हैं, जनरल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, बता रहे थे मुझे कि जैसे ही कोई खुदा ना खास्ता किसी एयरफोर्स का पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम है, अगर कोई डिजास्टर हो जाए और प्लेन गिर जाए तो उस प्लेन के सारे पायलट्स को ये ऑर्डर मिलता है कि सारे जहाज़ों को हवा में ले जाएं ताकि उन पायलट्स के जो फियर है, दिल में खौफ है, वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह जाहिद साहब का जो इनिशिएटिव है, मैंने सोचा कि ये वही इनिशिएटिव है जो सारे एयर फोर्सेस वाले अप्लाई करते हैं। इस काम को और तेज़ करने के लिए जो हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं उस सिलसिले में हमने दो प्रोग्राम रद्द किए। एक प्रोग्राम जो है वो इस्लामाबाद में होगा, उसका हम नाम दे रहे हैं इनिशिएटिव 2024, और दूसरा वो जो प्रोग्राम है वो हम यहाँ लाहौर में करेंगे। उसमें तफसील के साथ हम आपको बताएंगे कि 2024 में हम कितने प्रोजेक्ट और कौन कौन से प्रोजेक्ट और क्यों हम शुरू करना चाहते हैं। क्यों का जवाब तो सिर्फ ये है कि हमने प्रोजेक्ट को डबल करना है और जो फियर है हमारे हमारे और आपके दरमियान के ये काम बंद हो जाएगा, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है, तो उसको हमने दूर करना है। और आज मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ इंशाल्लाह जो मैं बताऊंगा चीज़ें, क्योंकि आज तक जो हमने चीज़ें आपसे प्रॉमिस की हैं हम उसको ग्राउंड पे लेकर आए हैं, हमने मुकम्मल किया है। तो इंशाल्लाह जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो हम स्टार्ट करेंगे और 2024 में इंशाल्लाह सारे प्रोजेक्ट आपके सामने होंगे। उनमें से नंबर पहला जो प्रोजेक्ट है वो द पवेलियन है, जिसके लिए माजे में इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और फाइनेंशियल स्क्वायर का एक हिस्सा है लाहौर स्मार्ट सिटी में, जिसका डिज़ाइन जो है वो DPA कर रहा है सिंगापुर में। उसमें 9 टावर्स हैं, इसमें 2 टावर जो हैं वो 40 स्टोरी के हैं, 1 टावर 55 स्टोरी है और 3 टावर जो हैं वो 35 और 30 स्टोरी के हैं, वो हम यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं।
थोड़ा मुश्किल काम है, बड़ा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह 2024 के मिड में हम ये स्टार्ट करेंगे। इसमें इसके अलावा सिलिकॉन विलेज भी है, 2 टावर हम स्टार्ट करेंगे और एक स्मार्ट सिटी 250 बेड हॉस्पिटल हम स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके साथ साथ सऊदी जर्मन हॉस्पिटल को हमने जगह दी है, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है 24 में उसका स्टार्ट करेंगे। रिंग रोड का इंटरचेंज इंशाल्लाह 24 में स्टार्ट होगा। रेलवे ट्रैक का काम मुकम्मल हो चुका था, जो डायवर्शन का है उसका अंडरपास शुरू होने वाला है। स्मार्ट क्लिनिक जो मैंने पहले जिक्र किया उसका आज इफ्तिताह होगा। रावी कमर्शियल एक 8 मल्ले के प्लॉट्स हैं जो हम बना रहे हैं, उसका हम बाकायदा आगाज कर चुके हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम उसको फुल स्विंग में लेके जाएंगे। गाफ कोर्स 18 होल गाफ कोर्स इंशाल्लाह हमारा ख्याल है कि 24 के आखिर में हम वो स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड के साथ टर्फ क्लब, पोलो ग्राउंड, ये तीनों चीज़ें हम इंशाल्लाह 24 में स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने लास्ट टाइम हम चेयरमैन के साहब दुबई में थे, एक बहुत बहुत प्यारा प्रोजेक्ट हमने विजिट किया, उसका नाम था दुबई सस्टेनेबल सिटी। वहाँ पे डोम्स के अंदर उन्होंने हाइड्रोपोनिकली जो फ्रूट वेजिटेबल्स वो उगाते हैं और कुछ डेट पाम लगे हुए हैं, कुछ फ्रूट प्लांट्स हैं, उस सारे का जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो रेजिडेंट को फ्री सप्लाई करते हैं। तो हमारा ख्याल है कि हम थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे और 24 में हम हाइड्रोपोनिक के 2 बड़े शहर जो इस्लामाबाद लग चुके हैं वो यहाँ भी हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा इनडोर गेमिंग अरीना है जिसके अंदर बॉलिंग एले, स्क्वायर कोर्ट्स और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये बहुत सी चीज़ें होंगी। ये क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल साथ इनडोर गेम्स के लिए हम इसकी इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं, जी हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो मेरा जो प्रोग्राम है मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, मगर जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो मैंने आज महसूस की है और मेरा ख्याल है कि आप भी अप्रिशिएट करना चाहिए, वो ये है कि जो NOC है ऑलरेडी हमारी हो चुकी है इंटरचेंज की, जो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा रिंग रोड से, उसका जो डिज़ाइन है वो हम बना चुके हैं। आपको पता है कितना टाइम लग रहा है हमारे इस्लामाबाद में, वो हम इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम सबमिट कर रहे हैं NHA को, उसकी अप्रूवल 24 के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड है और उसकी बाकायदा कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, अगर हम ये स्टार्ट कर पाए तो हमारे कैपिटल लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए ये बहुत बड़ा आज़ाद होगा और ये इस इलाके में सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा जिसको रिंग रोड से एंट्री मिलेगी और यही हमारी कोशिश है। हमारे चेयरमैन साहब 24 आवर, वो मुझे कहते हैं मैं 24 आवर इसी पे काम कर रहा हूँ कि ये एंट्री पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाए और हम लोग आसानी के साथ लाहौर से या जहाँ से भी लोग आने वाले हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर आते जाएँ। इसके अलावा चंद एक जो काबिल जिक्र प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद में हम लेके आ रहे हैं, मैं मुख्तसर सा जिक्र करूँगा। नंबर 1 तो मुजीब साहब ने बताया आपको, हमारे को पार्टनर हैं और को डेवलपर हैं एक्सेस नाम है कंपनी का, चौधरी जुबैर साहब जो हैं वो इनिशिएट ले रहे हैं, 660 विलास बना रहे हैं, बड़े हाई एंड विलास हैं, वो उसका आगाज़ करना चाहते हैं। आज थोड़ी मेरे बाद वो इसका थोड़ा सा आपको तारफ़ करवाएंगे मगर उसका प्रॉपर जो आगाज़ है इंशाल्लाह हम वहाँ इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम करने वाले हैं वीक के बाद, वो उसका अनाउंस करेंगे। उसके बाद गेट प्रीसेंट है, वहाँ पे 9 टावर है जिस तरह यहाँ आपने देखी है, ये हम जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ भी DPA डिज़ाइन कर रहा है और इंशाल्लाह वो 2024 के मिड में हम डिज़ाइन मुकम्मल कर रहे हैं, उसका हम स्टार्ट करेंगे। और कैपिटल वनीसिया वीनस की तरह का एक शहर हम बात कर रहे हैं, उसकी लेक का आगाज़ हो चुका है, उसकी ऑलमोस्ट 280 कनाल में सिर्फ लेक है जिसमें डांसिंग फाउंटेन और जब चीज़ें होंगी उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। और दुबई में डेजर्ट ग्रुप एक अदारा है जो
मोस्टली जो इस तरह के लेक्स हैं बना रहे हैं वो पाकिस्तान आ रहा है मिलने के लिए हमें, तो वो डिज़ाइन उनके हमने इसमें किया है। और सिलिकॉन विलेज जो है हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी में, उसमें चार बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग 40 स्टोरी है, दो बिल्डिंग 70 स्टोरी है, उसमें मास्क है, उसमें क्लिनिक है, उसका भी हम इंशाल्लाह बिफोर फरवरी 2024 आगाज करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ एक्सपो सेंटर जो ऑलमोस्ट 3 लाख स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया है, दुबई में इस साइज का एक एक्सपो सेंटर है, वो हम इसका इंशाल्लाह हमने ऑर्डर दे दिया हुआ है, उसका बकायदा आगाज होने जा रहा है। तो इन सारी जो इनिशिएटिव्स हैं, इसका जो मकसद है वो मैंने आपका जिक्र किया, और हमारे चेयरमैन साहब की जो विजन है, इसका पहले हम जिक्र करते हैं कि ये कहा करते थे कि जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं देखता हूँ लंदन में या हांगकांग में या बाकी सिंगापुर में खासकर, कि लोग बड़े ऐप के थ्रू डिजिटली ये सारे निज़ाम को चला रहे हैं, स्मार्ट सिटी का बड़ा एक मशहूर था, तो ये चीज़ें पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकती। तो उनके इस शौक़ को और उन्हीं के इनिशिएटिव को लेके हम आगे बढ़े थे, और उस वक्त हमें लगता था कि ये बड़ा एम्बिशियस सा प्रोग्राम है, और हम कहते थे कि अगर हम इसको 50% भी अचीव कर लें पाकिस्तान में तो बड़ी बड़ी बात होगी। मगर मुझे ये मसरत होती है बताते हुए आप सबको, आज मैं ये कह सकता हूँ कि हम 50% अचीव नहीं कर रहे, हम 110% अचीव कर रहे हैं, और वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सिंगापुर में नहीं है, दुबई में भी नहीं है, इंशाल्लाह हम यहाँ लेके आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग और जहाँ जो लोग रहने वाले होंगे, यहाँ जो लोग इंजॉय करेंगे, जॉब करेंगे, इन सब फैसिलिटीज़ को इंजॉय करेंगे और उससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। आपसे जो नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसका नाम मैंने रखा है इनिशिएटिव 2024, उसमें आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।